हेलो दोस्तों, मैं प्रभात मौर्य आज लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं बात करूँगा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आप यूपी बोर्ड के जो मार्कशीट को कैसे डाउनलोड करेंगे अपनी मोबाइल में। हम इसी बात पे आज चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हमारे लिए कभी कभी बहुत ही दिक्कत होती है, कहीं अगर एट रैंडम हमको मार्कशीट की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम उसका इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे मोबाइल में हमारी मार्कशीट का होना बहुत ज़रूरी है। उसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे, हम आज से इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए हम उस साइट का नाम बताते हैं आपको जहां से आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो आप अपने मोबाइल में जो है कि क्रोम ब्राउज़र ओपन करिए। जब आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो इसमें गूगल सर्च करिए, और जब आप गूगल सर्च करेंगे तो यहाँ पे लिखिए UPMSP। जब आप UPMSP लिखेंगे और फिर सर्च कर दीजिए। जब आप UPMSC लिखेंगे तो यह देखिए, यहाँ पे UPMSC की पहली साइट खुल के आई है और आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर उसके बाद यहाँ देखिए, यह किनारे में जो 3 बिंदु दिख रहा है, फिर देखिए यहाँ राइट में जो 3 बिंदु दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से परीक्षा फल पर आप क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से पहली बात तो यहाँ से आप बोर्ड पर भी क्लिक कर सकते हैं, या देखिए बोर्ड आपको जिस भी बोर्ड का चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ से आप परीक्षा फल पर क्लिक कर दीजिए। जब आप परीक्षा फल पर क्लिक करेंगे तो देखिए, यह यूपी बोर्ड के 2017 के यहाँ से है, तो यहाँ से आप नीचे आइए, और यहाँ से जब आप नीचे आएंगे तो यह देखिए, तो यहाँ से देखिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे मतलब 2013 से 2018 तक के प्रमाण पत्र जो है कि इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आपको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का चाहिए, जिसका भी चाहिए। अगर आपको हाई स्कूल का चाहिए तो हाई स्कूल पर क्लिक कर दीजिए, इंटरमीडिएट का चाहिए तो इंटरमीडिएट में। चलिए मैं इंटरमीडिएट पर क्लिक कर देता हूँ, और फिर यहाँ आप रोल नंबर भर दीजिए और यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमारा 2018 का, तो हम 2018 पे क्लिक कर देते हैं, और फिर यहाँ से आप कैप्चा को भर दीजिए। और जैसे मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, जो भी आपका रोल नंबर है 7 डिजिट का, उसको डाल दीजिए। फिर यहाँ से आप कैप्चा को डाल दीजिए, यानी कि सुरक्षा कोड को। तो यह है इसका बी है ई और आई 2231। फिर उसके बाद यहाँ से मैं रोल नंबर डाल देता हूँ, तो प्राइवेसी के नाते मैं आपको रोल नंबर नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से फिर मैं सबमिट कर देता हूँ। तो जब आप यहाँ से सबमिट करेंगे, तो यहाँ से आप सबमिट कर देंगे तो यह देखिए, यहाँ पे यह डाउनलोड होने लगा है। मैं इसको रिज्यूम कर देता हूँ। देखिए यह डाउनलोड होने लगा है, अभी थोड़ी देर में यह डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और यह PDF के रूप में आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा, और आप इसको अपनी ड्राइव में रख दीजिए, और फिर उसके बाद अपनी जो है कि ईमेल ID पे डाल दीजिए कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको जो है मार्कशीट अपनी ना ले जानी पड़े, और वहीं से आप प्रिंट आउट करा के आप सबमिट कर दीजिए। तो इसके रहने से यह फ़ायदा है कि हमको कहीं भी अपनी मार्कशीट नहीं ले जानी पड़ेगी, और अगर हमारा मोबाइल है तो हमें तुरंत अपनी मार्कशीट प्राप्त हो जाएगी और हम वहीं अपना काम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यह बहुत ही अच्छा है, हम अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड करके रख लेते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।